बताओ कहाँ है चमेली? अरे कौन चमेली? अरे भंसिया जिसका दूध निकालना है हमको। अरे उसका नाम चमेली है, ये तुमको कौन बोला? अरे हमारा आदत है, हम हर भंसिया को चमेली बोलते हैं। का है चमेली का तेल लगाते हो का? अरे हमारा बाली नहीं है तो चमेली का तेल काहे लगाएंगे? तुम ये बताओ ना भैंसिया कहाँ है? अरे भैंसिया का आज सुहाग रात है, अगर तुम गए ना तो भैंसा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो तुम बोले भैंसिया नाराज है दूध नहीं दे रही है, अभी फिर उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। अरे वो सुहाग रात मनाएगी कि तुमको दूध देने आएगी? अरे दूध वाला तुमको पागल लगता है क्या बकवास कर रहा है? दूसरी भैंसिया तो होगी तुम्हारे पास, उसके पास भेजो हमको, हम उसका दूध निकालेंगे। अरे उस तरफ से पहला रूम है। अरे भैंसिया का ये तो सांड है, ये तो हमको मार देगा। अरे रे 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 रे। ये पगला चाचा के चक्कर में हमारा देह टूट गया, और ऊपर से पागल तबेला वाला भैंसिया के पास बोले भेजने के लिए तो सांड के पास भेज दिया। नहीं लेंगे हम भैंसिया का दूध, गधी का दूध ही लेके जाएंगे उसके लिए, पिएगा तब समझ में आएगा उसको, बहुत नाटक है। और उसको घर से जल्दी निकालेंगे, एक तो रात से सोने नहीं दिया है, गर्मी पड़ा इतना धूप कड़ा है, दिमाग हमारा ऐसे खराब हो रहा है, और लाइट वाला अलग परेशान करके रखा, लाइट नहीं दिया है। घर जाके सबसे पहले नहाएंगे ठंडा ठंडा पानी से, फिर सोएंगे। अरे अरे कौन मारा रे, चलो हमको चलो, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? अरे बिल्ली तुमको तो हम काम दिए थे उसको मारने के लिए बिजली विभाग वाले को, तुम हमको क्या मारने आए हो? हमको क्या मारे, इतना पैसा भी हमसे लेते हो, मारते भी हमको, तीन तो हम टकला नेता है। टकला तुम हमको मारने के लिए गुंडा लोग भेजे थे? हम पुलिस कमिश्नर हूँ। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, हम आपको मारने के लिए गुंडा थोड़ी ना भेजे थे, हम तो बिजली विभाग में जो बैठता है ऑफिस में उसको मारने के लिए भेजे थे, बहुत बकवास करता है, फोन उल्टा सीधा। अरे चुप रहो, तुम्हारा आदमी आके हमको मारा और तुम पर आ रहा हमको दू का पहाड़ा। अरे कमिश्नर तुमको हम समझाए ना, हम तुमको मारने के लिए नहीं भेजे थे आदमी, और तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चिंता हम कौन है, टकला नेता तुम्हारा नौकर नहीं है, हम तुमसे तमीज से बात करे, तमीज से बात करो। अरे बिल्ली तुमको हम कमिश्नर को मारने के लिए भेजे थे वहाँ? अरे टकला नेताजी जो नंबर आप हमको दिए थे उस पर हम फोन किए थे, तो फोन कमिश्नर साहब उठा लिए, और देखने में भी चूहा जैसा थे, तो हमको लगा इन्हीं को मारना है, पकड़ कर निचोड़ दिए पूरा, और उसके बाद छोड़ दिए अधूरा। अब हम लोग का काम हो गया पूरा, चलो यहाँ से। अरे हो क्या रहा है, जब से चाचा मनुष्यत लग गया हमारा जीवन में, उधर उस सांड हमको मारा, इधर आके इलक पगला लोग हमको मार दिया, दूध गिरा दिया हमारा, फिर से लाना होगा गधी का दूध, लेके जाते हैं कि काम के लिए 10 बार मेहनत करना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग चाचा। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाम क्या है तुम्हारा बेटा? सारा जमाना हमको काला कद्दू के नाम से जानता है चाचा। अरे बेटा जमाना का छोड़ो, तुम्हारा माँ बाप जो तुम्हारा नाम रखा है वो बताओ। अरे तो बकवास चाचा लगता है, बोल रहा है माँ बाप जो नाम रखा है वो बताओ, वही तो बता रहे हैं। अरे चाचा हमारा नाम काला कद्दू है। काला कद्दू, ये कैसा नाम है, और कोई नाम नहीं मिला था तुम्हारा माँ बाप को? कह से तो बहुत सारा नाम होता है, हमसे पूछे होते तो हम बता देते, अभी बताते दो तीन तो बढ़िया नाम। कह से तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा नाम काला कलूठा भी रख सकता था, तुम देखने में भी लगते हो और सुनने में भी ये नाम अच्छा लगता, काला कलूठा। या अगर काला कलूठा पसंद नहीं था तुम्हें माँ बाप को, तो तुम्हारा नाम कह से कटोरा रख देता, तो भविष्य में अपने माँ बाप के काम भी तो आते, तुम कभी स्थिति खराब होता तो तुमको लेके घूमता रोड पे। बुढ़ा ढेर काबिल बन रहा है, हमारा बेइज्जती कर रहा है काला कद्दू का, काबिल समझ रहा है अपने आप को, अभी तक हमको पहचाना नहीं अच्छा से, अभी अपना रंग दिखाते हैं इसको, ये क्या समझ रहा है हमको मामूली बच्चा, सोच रहा है टकला को कल छत पर डरा रहा था तो हमको भी डरा देगा, अभी देखो ना हम इस बुढ़ा का कैसे बीपी बढ़ा देगा। चाचा हमको छोड़िए, इसे बताइए आपका नाम क्या है, आपका माँ बाप तो कुछ नाम रखा होगा ना, ये कहीं कोई गटर से उठा लिया था आपको? अरे हमको कोई गटर से नहीं उठाया था, हमारा माँ बाप हमारा नाम रखा था, हमारा नाम है दोगला। चाचा ये नाम आपका माँ बाप बिल्कुल सही रखा है, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छा नाम है, आप देखने में भी एकदम दोगला, एकदम निहायती दोगला। ऐसे हमारे हिसाब से एक और नाम भी आपका रखा जा सकता था, दो से दो टांग वाला कुत्ता नाम रखना चाहिए था आपका। अरे बदतमीज लड़का तुम हमको कुत्ता बोल रहा है? अरे चाचा कुत्ता तो चार टांग वाला को बोला जाता है ना, हम तो बोल रहे हैं आप दो टांग वाला कुत्ता है, आप उससे कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, आप अलग हैं। अरे तुम बहुत बदतमीज हो, लेकिन सच बोले तो तुम हमको बहुत पसंद आए,
काहे कि हम भी बचपन से बहुत बदतमीज है और हमको बदतमीज लोग बहुत पसंद आता है। तुम्हारा और मेरा खूब जमेगा। अरे हम तो सोचे थे हमारा बात सुनकर चचा को गुस्सा आ जाएगा, ये तो खुश हो गया, हमसे पट गया। अब एक काम करते, सबसे पहले पानी का ही बात कर लेते हैं, काहे कि हम लोग को नहाना भी है। हाँ चचा, किचन में दूध रखे आपका, अब हम जा रहे नहाने और नहाने के बाद सोतेंगे, दूध पी लीजिएगा। अरे हम कब दूध दिए जो तुम किचन में रखे हो, झूठ बोलता है, हम दूध देते हैं, मार के देह तोड़ देंगे। अरे भैंसिया का दूध बोले थे ना, वो ला के रखे। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है। ये बताओ, तुम भैंसिया का दूध लेने गए थे या खारा में कुश्ती लड़ने गए थे, ये चोट कैसे लगा है तुमको? अरे वो बिल्ली हमको मार दिया। अरे दूध तो तुम भैंसिया का लेने गए थे ना, तो बिल्ली तुमको काहे मारा? भैंसिया का दूध लाए हो कि बिल्ली का, सही सही बताओ। अरे भैंसिया का दूध लाए। तो बिल्ली को काहे गुस्सा लग गया, तुम भैंसिया का दूध लिया तो? अरे बिल्ली मतलब जानवर नहीं, बिल्ली मतलब इंसान। एक तो गुंडा है, वो आके हमको मार दिया, और दूसरा आपके चक्कर में भैंसिया का दूध निकालने गए थे तो सांड आके मार दिया। अरे तुम भैंसिया को देख के आंख मारे होगे, तभी तो सांड तुमको मारा, नहीं तो काहे मारेगा? अरे हम का आंख मारेंगे? क्या बकवास कर रहे, दूध रखे पी लीजिएगा, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, बता रहे नहाने जा रहे उसके बाद सोतेंगे हम, कान धंधा नहीं है हमको, भैंसिया का आंख मारेंगे हम। आवाज नीचे करो टकला, मारेंगे चार चप्पल तो तुम्हारा बस्ती छुड़ा देंगे। बकवास करता है, वीडियो है ना मेरे पास, जानता है कि नहीं जानता है? दे मीडिया वाला को। अरे नहीं चाचा जी, वो वीडियो नहीं दीजिएगा मीडिया वाला को, हम आपसे जज से बात करेंगे। अरे करना पड़ेगा, करोगे क्या, भाग यहाँ से। अरे इस बुढ़ा को छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास कर रहा है हमारा घर में, और इसका वीडियो भी डिलीट करेंगे, जिसके बलबूते पे हमको डराता है हमेशा। अरे पानी का नहीं आ रहा बाथरूम में, कल ही तो एक टैंकर पानी मंगवाए थे और डलवाए थे। चाचा पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। अरे हाँ हमको पता है, पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे पानी तो बहुत था चाचा। हाँ पानी बहुत था, इसीलिए तो नहीं आ रहा है अब। मतलब नहीं समझे, पानी बहुत था नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते आप? अरे भगवान बोले है, जब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा चीज हो ना, तो उसको दान कर देना चाहिए। बगल का दो लड़का आया था, एक काला था एक गोरा, वो लोग आके हमको बोला चाचा आपके घर में नहाना है हम लोग को, हम लोग का घर में पानी नहीं है, नहा ले। हम बोले बेटा यहाँ नहा के क्या करोगे, पानी ले जाओ यहाँ से। वो लोग पानी लेके गया यहाँ से, मेहनत किया बेचारा लोग, बहुत बाल्टी पानी भर के गया, पूरा खाली कर दिया। अरे क्या आप पागल है क्या, हम पैसा देके पानी भरवाए थे, आप उस काला कद्दू और गोरा कद्दू को पानी दे दिए? वो लोग वैसे होशियार बनता है लड़का, आपका कोई रिश्तेदार लगता है जो आप उस लोग को दे दिए पानी? चाचा ओ चाचा, आपसे बात कर रहे, जवाब कहीं नहीं दे रहे। ओ चाचा चाचा ओ चाचा, जवाब ही नहीं दे रहा चाचा बोलने से। क्या बोल के बुलाए, ससुरा एक फिल्म देखे थे, उसमें मुन्ना नाम का कैरेक्टर था, वो कुछ बोल रहा था, वही बोलना पड़ेगा इसको, तब सुनेगा। काम है ऐसा कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, वो काला कद्दू और गोरा कद्दू हमारा चाचा से दोस्ती कैसे कर लिया, हमारा चाचा से पानी कैसे ले लिया? ये हमारा दोगला चाचा बिना फायदा के तो किसी को कुछ देता नहीं है, उस लोग को पानी कैसे दे दिया, सोचना होगा इसके बारे में भी। अरे अब तो नहा भी नहीं सकते है और सो भी नहीं सकते, लाइट ही नहीं है, और ऊपर से पगला चाचा है घर में, दिमाग खाएगा नीचे सोएंगे तो। एक काम करते हैं, चुपचाप से छत पे जाके सो जाते हैं, भले धूप कड़ा है, चादर पहन के सो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। अरे ये क्या, हमारा पानी लेके नहा रहा है लोग और मस्ती कर रहा है, और हम उल्टा इस लोग का मुंह देख रहे गधा लोग की तरह। रे चोर साहब, हमारा पानी लौटा हमको। क्या हुआ टकला, क्या हुआ, पानी चाहिए? हाँ पानी चाहिए। हाँ तो आ जाओ मेरा घर, हम लोग के साथ नहाओ, हम मना किए तुमको, हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है, मदद करते हैं पड़ोसी लोग का और गरीब लोग का, जो लोग आजकल का जमाना में गर्मी का मौसम में पानी अफोर्ड नहीं कर पाता, हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि पानी पिलाना सवाब का काम होता है, और उसमें किसी को नहलाना वो बाप का काम होता है, और हम लोग तो तुम्हारा बाप है, ये तो तुमको पता ही है, दिमाग में कह रहे बाप है, रियल में नहीं है, रियल में तो कोई पागल ही ना होगा तुम्हारा बाप। अरे बकवास बंद करो, बहुत मुंह चलता है तुम्हारा गोला कद्दू, हमारा घर से हमारा पानी चुरा कर हम ही को ऑफर कर रहा है। इसको चुराना नहीं बोलते टकला, जिसको जरूरत होता है वो ले लेता है, हमको जरूरत है हम ले लिए, तुमको जरूरत है तुम ले लो, लेने के लिए तुमको कुछ करना थोड़ी ना, बस यहाँ के नहाना नहा लो। ये काला कल उठा और इसका भाई, दोनों हमारा पानी चुरा के हम ही को हड़का रहा है। एक काम करते, हमारा देह भी गंदा है, नहा लेते हैं, बाद में इस लोग को बताएंगे, पहले नींद कर ले पूरा। काला कद्दू अब हम प्रतिकार लेंगे टकला से, हमको समझ में आ गया उससे प्रतिकार कैसे लेना, हम सोच लिए।
पता क्या करेंगे अभी हम लोग? पानी को बढ़ाएंगे, जो अपने अंदर है उसको भी इसमें मिलाएंगे, उसके बाद टकला को वही पानी पिलाएंगे। अरे तुम लोग बाहर आ गए, तुम लोग नहा लिए? हाँ हम लोग नहा लिए, ज्यादा बड़ा ऐसे भी टब थोड़ी ना, तीन जने नहीं नहा पाएंगे, तुम नहाओ। हाँ इससे भी अच्छा है, तुम लोग के साथ कौन नहाएगा? टकला शैम्पू वैम्पू चाहिए? अरे हमको तुम लोग का कुछ नहीं चाहिए, ये पानी हमारा था इसलिए हम इसमें नहाने के लिए आए हैं। अरे टकला गोरा कद्दू तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि तुम जो पानी में नहा रहे हो तो तुम्हारा शरीर गंदा हो रहा है, अगर साबुन या शैम्पू चाहिए तो बोलो, साफ कर लो अपना शरीर को, गंदा नहीं होगा। अरे कैसा पागल आदमी है, पानी में नहाने से कोई गंदा होता है, उल्टे साफ होता है ना? हाँ वो तो सही बात है, लेकिन पेशाब मिला हुआ पानी में नहाने से तो गंदा ही होता है ना? काय तुम पेशाब मिला हुआ पानी में नहाते हो क्या हर दिन? अरे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? अरे हम लोग नहाने के बाद दोनों भाई इसमें पेशाब कर दिए, उसके बाद तुमको दिए नहाने के लिए। गोरा कद्दू तो बोल रहा था कि छोड़ दो उसको मत बताओ, लेकिन हमारा दिल नहीं माना, हम बोले बता देते हैं, कहीं साबुन या शैम्पू चाहिए तो दे देते हैं, साफ कर लेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये संस्कार नहीं होता, हम बोले। अरे तुम लोग पानी में पेशाब मिलाए तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, संस्कार की बात करता है तुम लोग? हाँ संस्कार का, पानी में पेशाब मिला के देता है संस्कार की बात करता है, तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं हम? जी जी जी, पूरा शरीर खराब कर दिया हमारा, मेरा प्रतिकार पूरा हुआ, मेरा नंगा वीडियो वायरल किया था ना टकला तुम, हाँ देखा उसका दंड क्या दिया हम तुमको, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो गोरा कद्दू क्या करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए कद्दू जो को, और लाइक कीजिए, और बताइए हम क्या बदला ले टकला से, ताकि इसको सबक मिल सके, ताकि आगे से किसी भी बच्चा का नंगा वीडियो वायरल नहीं करे नेट पे।